में है, हमने 5 125 cc कैटेगरी की स्कूटी कलेक्ट की है और देखना चाहते हैं कि कौन सी कितनी फास्ट है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो है, जो मेन प्लस पॉइंट है, वो ये कि सारी की सारी स्कूटी जो है हमारे पास 125 सीसी की है। तो सीसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है आज हमारे पास। सबसे पहली स्कूटी है बर्गमैन 125 बर्गमैन स्ट्रीट, फिर है एसएस 125 जो कि सुजुकी की आती है, फिर टीवीएस अनटॉक 125 और फिर एक्टिवा 125 एंड देन डेस्टिनी 125। तो हीरो, होंडा एंड टीवीएस एंड सुजुकी एंड सुजुकी, तो इतने सारे ब्रांड है हमारे पास। देखते हैं कौन सी फास्ट है, इस बैटल में आपको पता चल जाएगा। सो अभी मैं चलाने जा रहा हूँ सुजुकी बर्गमैन और यहाँ पे हमारे गुड्डू भाई हैं जो कि चलाएंगे एसएस सुजुकी की। उसके बाद देवेश चलाएगा, पता नहीं कौन सी चलाएगा लेकिन शायद एक्टिवा चलाएगा, और बाकी की अनटॉक और डेस्टिनी भी लग चुकी है। तो अब हम शुरू करेंगे बैटल 3 हॉर्न पे और देखेंगे टॉप एंड और इनिशियल में सबसे आगे कौन सी निकलती है और कौन सी विनर होती है। ये देखो टैलेंटेड राइडर निकल गया है एक्सेस लेके और अनटॉक बहुत तेज जा रही है। ये रही एक्टिवा और ये रही डेस्टिनी। ये क्या बर्गमैन, तुमको क्या हो गया? मेरे वेट की वजह से आई थिंक मैं सबसे पीछे हूँ। मेरे पीछे एक्टिवा है, 100 पहुंच गया हूं मैं। आज तो इनिशियल का कमाल है, जो है इनिशियल में जो निकल गया वो निकल गया और गुड्डू तो बहुत तगड़ा राइडर है। पहले नंबर पे डेस्टिनी, दूसरे पे एक्सेस, थर्ड पे अनटॉक, फोर्थ पे मैं और फिफ्थ पे एक्टिवा। एक्टिवा बहुत पीछे हो चुकी है, आप देख सकते हैं, मतलब होंडा एक्टिवा ने बेइज्जती करा रखी है। रुक ही नहीं रहे हो तुम लोग तो यार, क्यों नहीं रुक रहे? चलो इस बार मैं जीतूंगा, चार लोग के ही करते हैं उसको, जाने दो। मैं फिर से चाहूंगा बस बोलना नहीं। क्या बात है, डॉग देखो कैसे निकल रही है। क्या हो गया बर्गमैन, तुम वही बर्गमैन हो जो डॉग को बराबर टक्कर देती थी? पहले नंबर पे ऐसे, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे बर्गमैन और फोर्थ पे एक्टिवा। एक्टिवा तो एक्टिवा ही है।
बेबी कम ऑन, थोड़ा सा और, यू कैन डू इट। आप देख सकते हैं एंटॉक सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे एसएसआई और तीसरे नंबर पे हमारी बर्गमैन, और बेइज्जती कराते हुए देख रहे हो एक्टिवा दिख भी नहीं रही, इतना पीछे डेस्टिनी वाला बंदा रुका ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकल गया। इसीलिए हम चारों ने एक बार ट्राई किया, फिर से अटेम्प्ट किया, अगर मिलता है तो एक अटेम्प्ट उधर से करेंगे, क्योंकि इधर लगता है मुझे ब्रेन ब्लास्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से हम आगे नहीं निकल पाए। बाकी वेट रेशियो की बात करें तो वेट तो हम सबका में सब मेरा सबसे ज़्यादा है, तो बर्गमैन लेके मेरा पीछे होना तो माना जा सकता है। चलो एक बार राइडर स्विच करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। तुम बर्गमैन चला लो, मैं एंटॉक चला लेता हूँ। तो एंटॉक में मुझे फील हो रहा है ज़्यादा पावर, बट देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गई बर्गमैन मेरे बगल में, और उधर आ चुकी है डेस्टिनी, फिर आ चुकी है एक्टिवा, एंड सबसे लास्ट में आएगी एसएस। वेट रेशियो सबका अलग होता है ना, इसलिए थोड़ा सा अंतर पड़ता है, इसलिए सबसे कम राइडर को हमने इस बार एसएस दी है, उसके बाद एक्टिवा। ये आ गई ऐसे सबसे आगे बर्गमैन, पहुंच चुका हूं 102। एंटॉक में मुझे फील हो रहा है ज्यादा पावर, डेस्टिनी आ गई। अरे भाई डेस्टिनी पावरफुल गाड़ी है क्या, अरे भाई डेस्टिनी निकल रही है, हीरो ने क्या कर दिया, ये हीरो ने जिंदगी में पहली बार कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ये सारी की सारी स्कूटियां लाजवाब परफॉर्म कर रही है, एक्सेप्ट एक्टिवा। हिलना बंद करो, थोड़ा सा टक करो और आगे निकलो। वेट हल्का इसलिए आगे निकल रहा है, और कोई बात नहीं है, वरना एंटॉक विनर होती, लेकिन एंटॉक एंटॉक है भाई, ना बर्गमैन ना कुछ।
ये थ्रोटल छोड़ रहा है लड़का ये। रोक लो रोक लो, ये थ्रोटल छोड़ रहा था लेकिन उसके बाद भी आगे था, कोई दिक्कत नहीं है, मजा लेने के लिए हो सकता कर रहा हो। तो सबसे पहले नंबर पे आई भाई एसएस यहाँ पे, लेकिन पावर एंड टॉक में ज्यादा है, वेट की वजह से पीछे हुई। चलो लेकिन एसएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे उम्मीद नहीं थी, और डेस्टिनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो वेट की वजह से आगे था, ये मेरा वेट ज्यादा है इसकी वजह से ये आगे थे वरना पीछे हो जाते। सो यहाँ पे रिजल्ट उल्टे सीधे है, लेकिन वाकई में इन चार स्कूटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब चारों के चारों ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सिमिलर ही है, सब में अच्छी पावर है, बस वेट रेशियो की वजह से सब आगे पीछे हो रही थी और एक्टिवा का परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आया, बाकी सब की सब स्कूटियों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। सुजुकी एसएस ने 125 भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आगे थी, आपने देखा वेट रेशियो की वजह से आगे थी हालांकि, लेकिन अगर नहीं भी होती तो हल्का फुल्का डिफरेंस ही आता, अदरवाइज नहीं आता। तो इन चार स्कूटियों ने जो परफॉर्म किया, आपने जो रिजल्ट देखे, बहुत ही काबिल तारीफ थे।